हम तो कोविड पेशेंट्स को पिछले एक साल से खाना दे रहे हैं, जब से पैंडेमिक ने हिट किया हमें। बट रिसेंटली जो सेकंड वेव आया कोविड का कश्मीर में भी, तो हमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स आई जो डिस्ट्रेसिंग थी। बाहर से लोगों ने फ़ोन किया हमें, दिल्ली से, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे अकेले होते हैं, जो बच्चे बाहर काम करते हैं या पढ़ाई के सिलसिले में, तो उन बच्चों ने हमें कॉल किया। तो हमने उनको खाना लिया, उन तक खाना पहुँचाया। बट उसमें हमें काफ़ी ऐसी कॉल्स भी आई थी जो मतलब लोग अपील कर रहे थे हमें कि हमें खाना पहुँचा रहे। एट द सेम टाइम हमें दिमाग में ये आया कि लॉकडाउन भी इम्प्लीमेंट हो गया, तो क्यों ना हम एक फूड फॉर कश्मीर जो कैंपेन है, क्यों ना हम इसको लॉन्च करें, जिसके तहत हम हर एक हॉस्पिटल में हर एक मरीज को खाना पहुंचाएंगे। और चाहे वो जो लोग घरों में होंगे कोविड पॉजिटिव, जैसे पूरी फैमिली निकलती है कोविड पॉजिटिव, तो हम उन तक भी खाना पहुंचा रहे हैं इस वक्त। हमने अपील की लोगों को, जस्ट अभी 2 डेज ही हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। लोग हमें पैसे भी डोनेट कर रहे हैं। पेशेंट का कॉल आया इधर ही सीडी हॉस्पिटल में, तो उनके लिए चिकन सूप बना रहे हैं SOS कॉल। उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया और वो मतलब बाकी चीज़ें, क्योंकि ओल्ड एज है, तो आप उनके लिए कस्टमर जो है चिकन सूप बना रहे हैं इस टाइम, ताकि वो कुछ खा सके, उनके अंदर एनर्जी आ जाए। ड्यू टू रमज़ान अभी बहुत सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं, तो इस वजह से लंच पे ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, बट इफ्तार टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। कई दिनों से हम चिकन दे रहे थे जो पेशेंट्स वगैरह, लेकिन आज उनकी डिमांड पे हमने दाल बनाई है। दे वांटेड टू ईट सम पल्स, तो आज हमने वो बनाया। तो बाकी चिकन भी बन रहा है शाम के लिए, इफ्तार के लिए। और कुछ पेशेंट्स को हमको सूप देना है, वो इस टाइम गैस पे है, वो भी अभी तैयार हो जाएगा। तो हाई इन प्रोटीन, तो हम उस हिसाब से भी डिज़ाइन करते हैं अपने मेन्यू को, जो इनके लिए ठीक रहेगा खाने के लिए, जिससे इनको एनर्जी मिलेगी ज़्यादा। 100% बायोडिग्रेडेबल पैकिंग है, तो इसको अगर कोई, जैसे हमें ऑर्डर करता है कोई पेशेंट, वो उस टाइम पे नहीं खाता है, वो इसको बाद में माइक्रोवेव भी कर सकता है। इट्स 100% बायोडिग्रेडेबल, जो शुगर केन से बनाया गया है, और इसी में हम खाना पहुंचाते हैं लोगों तक। हमने एक रेप्यूटेड एनजीओ के साथ टाई अप किया था, और उन्होंने ये मैसेज दिया था कि अगर कोई है पॉजिटिव फैमिली और उनके घर में कोई कुक नहीं कर सकता है, तो वो उनको मैसेज करे, ना कि मतलब उनको जिन उस एनजीओ को मैसेज करे, सो दैट दे कैन कनेक्ट देम विद अस। और हमें कॉल्स आने लगी, क्या आप हमें फ्री में खाना पहुंचाएंगे। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो हमें लगा कि हमने शुरुआत में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी खाना दिया, लेकिन फिर हमारा स्मॉल वेंचर है, हम ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते थे, तो हमें लगा कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट खाना देना, हम कोलैप्स हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम फूड फॉर कश्मीर, ऐसा भी हुआ कि फूड फॉर कश्मीर कैंपेन से पहले ही हमें मैसेजेस आने लगे, क्या आप हमारी तरफ से 14 मील्स, 10 मील्स, 5 मील्स हम स्पॉन्सर करेंगे, क्या आप पहुंचाएंगे, चाहे वो वॉरियर्स हो हमारे फ्रंट लाइन पे जो है, चाहे वो कोविड पेशेंट्स हो, चाहे वो कोविड अटेंडेंट्स हो, जो भी है। उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि जो ज़रूरतमंद, जो मतलब जो पोअर फैमिलीज है या पोअर कोविड पेशेंट्स है, जो भी ज़रूरतमंद है, क्योंकि ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है जिसके पास, इवन दोज हु आर एबल टू पे, लेकिन उस टाइम आप उनको खाना पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोन आए हमें जो दो हु वर एबल टू पे, लेकिन वी डिडंट आस्क देम कि आप पे करो। तो हमने हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट, जब से ये कैंपेन चला, तो वी ट्राई टू रीच आउट एज मेनी एज पीपल वी कैन। एक तो आपको कोविड पॉजिटिव से भी कॉल्स आते हैं, जिनकी एक कुछ ऐसी फैमिलीज हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, जिनके अपने बच्चे हेल्प करने नहीं आते हैं, वो हमें फ़ोन पे कॉल करते हैं, वहाँ पे आप ये कस्टमाइज कराते हैं हमसे फूड, कि आप उनके लिए सूप लेना, आप उनके लिए मीट लेना, लेकिन खुद वहाँ पे नहीं आते। हमें भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है जब हम खाना ले जाते हैं और रास्ते में ही हमें कॉल आता है कि पेशेंट हैज़ डाइड। पूरे SOPs फॉलो करते हैं, पूरा प्रोटेक्शन हम फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे, एज आई सेड कि रही साहब ओनर ऑफ टिफिन हाउ इज़ माई हस्बैंड, और मुझे भी ये बहुत, मैं भी शुरुआत में बहुत पैनिक हो रही थी, मैंने भी बहुत इंसिस्ट किया था रही साहब को कि हम अपना सर्विस सस्पेंड करते हैं,
तो लेकिन मुझे फिर लगा कि मैं भी शायद मैं गलत कर रही हूँ, मेरा ये इनको बोलना कि सर ये कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए और मेरा इनको रोकना विल नॉट बी गुड। बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि आप कोविड पेशेंट्स को खाना देते हैं तो कैसे देते हैं, तो हम जैसे अभी मैंने इनको खाना दिया, पहले मैंने सैनिटाइज किया, अब हम ये रखेंगे कहीं पे जहाँ पे जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी होगी। हम मुझे हमेशा ये फिक्र रहती है डिलीवरी बॉय सेफ रहे, हमारा ये क्योंकि अगर हम सेफ रहेंगे तभी हम आगे तक ये सर्विस पहुंचाएंगे, तो हमें बहुत सारा आगे गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। हम हर किसी को अपने कैंपेन के बारे में अवेयर करते हैं कि हमारी ऐसे कैंपेन है, हमें आप सब लोगों की मदद चाहिए अवेयरनेस में। जो भी आपको मिले, जो हॉस्पिटल में हो या कोविड फैमिली से हो या कोई और बीमार हो हॉस्पिटल में किसी और रीजन की वजह से, तो सभी कोविड होना जरूरी नहीं है। लाइक हमारा एलडी हॉस्पिटल है, वहाँ से श्री कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट आते हैं, उनके साथ अटेंडेंट होते हैं, वो लोअर तबके के लोग होते हैं, मजदूर होता है कोई बेचारा, लेकिन यहाँ से लॉकडाउन लगा है तो खाने की प्रॉब्लम हो रही है, दे कैन कॉल अस, हम उन तक खाना पहुंचाएंगे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इफ यू वांट टू डोनेट, इफ यू वांट टू रीच अस, यू कैन प्लीज इंस्टाग्राम अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन फेसबुक अस, यू कैन ट्विटर अस।